ऐसा है कि जो हमारे देश में जो अमीर और गरीब की जो खाई है कि जो संसाधन है हमारे देश के जो रिसोर्सेज हैं वो मतलब पूरे वर्ल्ड में मैंने सुना है कि 2% लोग इस्तेमाल करते हैं, 80% लोग जो हैं वो उस चीज़ से महरूम हैं। तो इसमें भी यही है कि जो जिनके पास साधन हैं वो साधन निचले तबके तक पहुँचा नहीं पा रहे हैं, और जो निचला तबका जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस फिल्म में उसकी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। तो जो दोनों वर्गों के बीच की जो खाई है वो कोई एक्सप्रेशन या जो बातचीत है उसे बंद कर रखा है। तो उस हालत में सिर्फ एक ही चीज़ बचती है जिसका नाम है विद्रोह। तो जो मेरा कैरेक्टर है वो उन्हीं सब चीज़ों से निकला हुआ है और उसी का ये अंजाम है, यहाँ तक पहुँचा है, जो परिणाम है वो इस फिल्म में है। और अब इतना जो हम लोग कैसे माहौल में रहते हैं, मैं दिल्ली में मजदूरों के लिए नाटक करता था, स्ट्रीट प्लेस करता था, ओखला, वजीरपुर, हर जगह मजदूरों के लिए और महिलाओं के लिए, जो भी शोषित वर्ग है उन सब के लिए, तो मैं उन सब के करीब ही रहा हूँ। तो और काफ़ी लोगों का दुख दर्द समझता हूँ, तो मुझे इतनी मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि मैं उन्हीं के बीच में आज भी रहता हूँ। तो यही तैयारी थी।